control the action of the hormones at the other place and the organ. For example, releasing hormones of the hypothalamus, such as thyroid releasing hormone and corticotropin releasing hormone. These hypothalamic releasing hormones control the secretions from the anterior pituitary, known as thyroid stimulating hormone and ACTH, adrenocorticotropic hormone. ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशन को हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस हैं जो के इनडायरेक्टली बॉडी के इन ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड की सेक्रीशन को, एड्रीनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे. सो दिस इज हार्मोनल मैकेनिज्म. सर्टन मास्टर हार्मोन्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंडुलर सेक्रीशंस एंड एट डिस्टेंट प्लेस अदर हार्मोन्स की सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोलिंग द सेक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इनडायरेक्टली कंट्रोल्स थायरोक्सिन सेक्रीशन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. सिमिलरली, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोलिंग द सेक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दैट कंट्रोल्स द सेक्रीशंस ऑफ द एड्रीनल कॉर्टिकल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स. Now the third system controlling the hormonal secretion is known as humoral system, in which certain specific organic molecules, organic substances control the secretion of certain hormones, जो कि उन organic substances को indirectly control कर रहे होते हैं. One of the best example is the glucose, the organic substance glucose that is controlling the secretion of insulin hormone and glucagon hormone from the pancreatic gland. So ये तीनों hormones जो हैं ये देते हैं हमारा main control and regulation system of the hormonal secretions in the body. अब एक और regulation system है hormonal secretions का, जिसके accordingly हमारी hormonal secretions body की vary करती है, उसको कहते हैं circadian rhythms, endocrine rhythms. These circadian rhythms give the depiction of variability in the rate of release of hormone over a span of 24 hours. 24 घंटे के अंदर different time में different rate of release होता है hormones का, और उसको कहते हैं circadian rhythms. इसी तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर 6 घंटे या 8 घंटे के अंदर भी rhythms change हो सकते हैं infradian rhythm की form में, और इसी तरह से 24 घंटे के ऊपर 72 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में भी रिदम्स वेरी कर सकते हैं. सो दीज रिदमिक रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन दैट रिस्पॉन्स टू डे एंड लाइट. ये डे और लाइट को सेंस करके उन हार्मोनल सेक्रीशंस की रेट को, रेट ऑफ रिलीज को वेरी कराता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द पल्सटाइल रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर के ग्रोथ हार्मोन की जो सेक्रीशंस हैं इन पल्सेस, वो एट द टाइम ऑफ द नाइट इंक्रीज हो जाती हैं एज कंपेयर टू एट द टाइम ऑफ द डे. सो इन द मॉर्निंग आवर्स, द इन द स्लीपिंग आवर्स, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन पल्सेस इन इंक्रीज रेट एज कंपेयर टू अवेकनिंग आवर्स, जिसमें के ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा होता है. सिमिलरली इज द सर्केडियन रिदम ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स. कॉर्टिसोल इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ 4 AM, 3 AM और 6 AM इज इंक्रीज इन सीरम एंड ब्लड एज कंपेयर टू मिड ऑफ द डे एंड द इवनिंग आवर्स. सो जब भी हम लोग इसको करवाएंगे लेबोरेटरी से मेजरमेंट्स, तो हम इन हार्मोन्स के साथ इनका टाइम ऑफ मेजरमेंट भी लिखेंगे. सो इफ यू हैव टू मेजर द कॉर्टिसोल लेवल्स, वी विल राइट द एडवाइस एज द सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स एट 4 AM और द सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स एट 2 AM. सिमिलरली, सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स एट 4 PM, सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स एट 2 PM. सो द सेक्रीशंस की रेफरेंस रेंजेस वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. So this is the circadian rhythm, one of the other controlling rhythm of the hormone, which is responsive to day and light. Now further, we will next time cover the type of the hormones and their basic biochemical structures.